तो यहाँ पे बंदर आए थे पोली हाउस के अंदर, और उन्होंने यहाँ पे टमाटर और आलू भी खा रखे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा राजमा भी हो रखे थे इन पेड़ों पे, और राजमा भी तोड़ दिए उन्होंने सब। और बंदरों का करना भी क्या है, देख सकते हैं ये रे राजमा के फलियाँ और टमाटर के पौधे भी तोड़ के उन्होंने। और यहाँ से देखिए कितना बड़ा छेद करके ये ऐसे अंदर आ रहे हैं, और इन दोनों को मिक्स कर लूँगा यहाँ पे, मिला दूंगा अच्छी तरह से, फिर चावल अच्छी तरह से पक जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचू कुशाई ब्लॉग में। आज सभी स्वस्थ मस्त होंगे तो मैं भी स्वस्थ हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है शाम के 4:30 बजे से, और मेरा गांव का नाम है भरना जो कि पड़ता है पौड़ी गढ़वाल के थैलीसर ब्लॉक में। तो अभी तो मैं अपने पोले हाउस में जा रहा हूँ और यहाँ काम करूँगा, क्योंकि यहाँ कब से काम नहीं कर रखा है, और शाम के वक्त यहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम होते हैं इनके टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि धूप लगी रहती है। और अभी धूप जा चुकी है यहाँ से, और पीछे वाली पहाड़ों पर है भी, तो मैं चलता हूँ पोले हाउस के अंदर। तो यहाँ पे माँ भी आ चुकी है, माँ और मैं साथ में करेंगे पोले हाउस के काम, और एक कुदाल लेके आए, तो कुदाल से हम यहाँ गुड़ाई भी करेंगे। और यहाँ पे कालू भी बैठा हुआ, ब्लैकी भी बैठी हुई है, और बैल हमारे नीचे वाले खेत में चर जे भी। तो मैं कुदाल और थमाली लेके भी जा रहा हूँ पोले हाउस के अंदर, क्योंकि पोले हाउस के अंदर बहुत बड़ी घास भी हो रही है, तो इसको भी काटना है यहाँ। तो यहाँ पे बंदर आए थे पोले हाउस के अंदर, और उन्होंने यहाँ पे टमाटर और आलू भी खा रखे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजमा भी हो रखे थे इन पेड़ों पे, और राजमा भी तोड़ दिए उन्होंने सब। और बंदरों का करना भी क्या है, देख सकते हैं ये रे राजमा की फलियाँ और टमाटर के पौधे भी तोड़ के उन्होंने। और यहाँ से देखिए कितना बड़ा छेद करके ये ऐसे अंदर आ रहे है, और यहाँ पे पूरे बर्बाद कर दिया उन्होंने, और हमने क्या सोचा था, और बंदरों ने क्या कर दिया, और पूरा राजमा खा दिया यहाँ पर। तो बंदरों का आतंक हर जगह ही है, पहाड़ हो या देश हो या शहर हो, सब जगह बंदर ऐसे आतंक मचा रहे हैं। और हम इतनी मेहनत करते हैं और बंदर कुछ भी नहीं रखते, और इतना बड़ा छेद करते हैं उन्होंने पोले हाउस पे, और यहाँ से अपने लिए रास्ता बना दिया। तो यहाँ पर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अब, और इसे बंद करना पड़ेगा। वैसे बंदरों के लिए क्या है इसे फाड़ना, यहाँ पे अभी हम इस छेद को बंद करेंगे, और यहाँ पे माँ जुगाड़ लगा रही है ऊपर जाने के लिए, और हमारे पास सीढ़ी भी ना है, तो हमने यहाँ पे दो लकड़े लगाती है, फिर ऊपर चढ़ेंगे हम। तो हम इस रस्सी से इन दोनों को बांध देंगे ताकि ये इधर उधर खिसके ना, और दोस्तों यहाँ पे हाथ नहीं पहुँच पा रहे मेरा। इन लकड़ों में चढ़ता हूँ ऊपर, अगर चढ़ पाऊंगा तो, और यहाँ पे डर भी लग रहा है क्योंकि ये खिसक भी रहा है इधर उधर। अभी आपस आ रही है यहाँ पे, अरे तो मैंने घूम जो, और ये लकड़ी घूम भी रहे थे तो इनमें डर लग रहा है पैर रखना। तो दोस्तों अभी तो हमारे बस का है नहीं, और हम सीढ़ी देखेंगे तभी करेंगे काम, क्योंकि ऐसे में मुश्किल लग रहा है ये काम करना, और सीढ़ी में सही रहेगा, तो कल सुबह ही करना पड़ेगा हमें ये काम, वरना दिन में यहाँ बंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी गुड़ाई कर रही हूँ, और जितना भी घर पतवाड़ है यहाँ पर इसको निकाल दिया, और मैं यहाँ पे इन जो ये टमाटर के पौधे और खीरे के बेल है, तो इन पे मैं ऐसे टहनियाँ लगा दूंगा अभी। और यहाँ पे टमाटर भी होने लगे यहाँ पर, देख सकते हैं ये रे टमाटर। हम मम्मी कह रही है बंदरों ने खा दिए, तो कितने खाओगे वाला हम। तो यहाँ पे खीरे पे भी फूल लगने लगे हैं, तो खीरे के बेल पे भी अभी टहनियाँ लगानी है छारा देने के लिए, उन्होंने भी हाथ दे दिए, देखना ये रे उन्होंने हाथ दे दिए यहाँ पर, और इस वाले बेल पे तो फूल भी लग चुके हैं। तो इस साइड में कब से गुड़ाई नहीं कर रखी थी, इसीलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी घास हो रखी है। और यहाँ पे एक बेल है, ये है कड़वा करेले का बेल ये वाला, और जो ये बेल दिखाई दे रहे हैं कद्दू के, इधर भी कद्दू के बेल है, और ये बंद गोभी, और काल भी आ रखा है यहाँ सब्जी तोड़ने के लिए। चल बाहर क्या यहाँ अंदर, यहाँ पे मैं इस टहनियों को लेके आ गई, ये है बांस की टहनियाँ, तो उनको नुकीले कर देंगे ताकि ये जमीन में अच्छी तरह से धस सके नीचे, और फिर बेलों पे लगाएंगे और फटाफट करता हूँ काम। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इन टहनियों को नुकीला भी कर दिया जमीन में गाड़ने के लिए, तो सबसे पहले सब्बल लाता हूँ, और सब्बल की जरूरत भी पड़ेगी। लालू 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 चल
और ये वाला अंदर जाने की जल्दी होगी, अभी तो बाहर खोल करने। तो मैं ये सप्पा लेके भी जा रहा हूँ। अब यार टमाटर के पौधे भी लगाता हूँ और बंदा ने टमाटर भी खा रखे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे टमाटर के पौधे भी टहनिया भी लगा दी, यहाँ पे बारी ये खीरे के बेल भी लगाने की। ये दोनों कुत्ते बार बार यहाँ पोले हाउस के अंदर आ जाओ, सब्जियां तोड़ दे तो मानो उनको बाहर भगा दिया है। और ये दोनों बदमाश बाहर नहीं रह सकते तुम्हें, क्या अंदर अंदर क्या है, मार खोगे? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इन खीरों पे भी टहनियाँ लगा दी है और माँ ने भी उस साइड के लिए गुड़ाई कर दी है। तो अब मैं इस घास को लेके जाता हूँ दोस्तों, अब मैं इस घास को इस कपड़े पे रखता हूँ और बाहर लेके जाता हूँ। तो दोस्तों पोले हाउस का काम भी हो चुका है और टाइम 6:30 हो चुका है। तो मैं सबसे पहले मुर्गों को बाहर निकालता हूँ क्योंकि अभी टाइम है और आजकल अंधेरा वैसे भी 8 बजे तक होता है, तो थोड़े से मुर्गों को बाहर भी निकाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं अभी आग जलाता हूँ, फिर यहाँ पे चावल रखूंगा पकाने के लिए जो कि मुर्गों को खिलाऊंगा। पानी रख दिया चूल्हे में और पानी भी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं ये प्याज की पत्तियाँ रखता हूँ उसमें, और ये हरी प्याज की पत्तियाँ थी जो हमने काट के सुखा रखी है। तो इन प्याज की पत्तियों को थोड़ा पकने देते हैं, फिर इसके बाद इसमें चावल रखेंगे। तो यहाँ पे मैं चावल लेके भी आ गया, चावल रखता हूँ मैं इसमें। और इन दोनों को मिक्स कर लूंगा, यहाँ पे मिला दूंगा अच्छी तरह से, फिर चावल अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो अभी मुर्गियाँ इधर चर रही है तो मैं इनके लिए पानी भरता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इनके लिए पानी ना है यहाँ। तो अब मैं यहाँ पे पानी के बर्तन साफ करता हूँ क्योंकि मुर्गों ने ये बहुत गंदे कर रखे हैं। फिर इसके बाद पानी भरते हैं, फिर अंदर रखते हैं डब्बे।
दोस्तों यहाँ पे मैं पानी भर रहा था और मैंने फोन स्टैंड पे खड़ा कर रखा था और हमारे बैल दौड़ते हुए फोन के सामने से गए। मैंने समझा आज मेरा फोन चला गया है और खतरनाक सीन हो गया था और फोन के पास से गुजरे। चलो बेटा उनको अंदर बांध दो मैं अब। चलो 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 यहाँ से लाइट भी जलाते पहले। मुर्गी ने अंडे भी दे रखे हैं, एक अंडा इसमें दे रखा है, एक इसमें और एक अंडा दे रखा है साले में। तो तीन अंडे दे रखे इस टाइम उन्होंने। तो दोस्तों टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, 7:30 बजने वाले, 7:23 हो चुके टाइम। तो मुर्गियां भी जगह जगह फैल चुके हैं, तो इनको अंदर डालता हूँ अंधेरा होने से पहले, फिर इनको दाने देता हूँ, इसके बाद फिर घर। तो दोस्तों मुर्गियाँ पहले अंदर चली गई थी, कुछ कुछ मुर्गियाँ थी बाहर, तो उनको भी डाल दिया मैंने अंदर। तो यहाँ पे मुर्गों के लिए दाना भी पक चुका है और आधे से कितने अच्छी तरह से पक रखे हैं। तो अब मुर्गों को खिलाते हैं और बहुत गर्म भी हो रखा है। फॉरन का सारा काम निपटा दिया है, तो अब मैं जा रहा हूँ घर और अंधेरा भी हो चुका है यहाँ पर। और मेरे साथ कालू और ब्लैक हमेशा ही रहते हैं और मेरे साथ देते हैं हमेशा, यहाँ शाम तक रुके रहते हैं मेरे साथ, है ना कालू ब्लैक की? इधर आओ कालू ब्लैक की, इनको भी दिखा देता हूँ आपका थोड़ा सा। ल ब्लैक की ल कालू रुक 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 भी नहीं रहे, ये रे मेरे कालू इतनी प्यारी सी। अब ब्लैक की भी आगे, ब्लैक की को जलन होती है, जलन बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मैं अपने घर में पहुंच चुका हूँ, रात के 8:30 बज चुके हैं, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।